नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 28 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत माएं अपनी संतान के लिए रखेंगी। इस दिन निर्जला व्रत कर माँ अहोई माता से अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी। इस दिन एक खास रस्म मुख्य रूप से हर माँ करती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने गले में स्याहू की माला को धारण करती हैं। इस स्याहू के माला के पीछे एक रहस्य छुपा है। ये स्याहू माला किस चीज की होती है, इसे कब धारण करते हैं और इसे धारण करने के पीछे मान्यता क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान कर माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू माला धारण करते हैं। स्याहू की माला में चांदी के दाने और अहोई मैया की लॉकेट होती है। ये चांदी के दाने संतान की संख्या के अनुसार एक दो या उससे ज्यादा बनती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दिवाली तक लगातार पहने रहना होता है। दिवाली वाले दिन जब अहोई अष्टमी के जल भरे करवा से संतान स्नान कर लेती है, तब माताएं स्याहू को निकाल कर सुरक्षित रख देती हैं। स्याहू की माला में खास बात और ये होती है कि इस माला में हर साल एक दाना बढ़ा कर पहना जाता है। दिवाली के बाद इस माले को पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर निकाल कर रख देते हैं। स्याहू संतान का प्रतीक माना गया है और इसे चांदी के रूप में देवी अहोई के साथ धारण करने के पीछे मान्यता ये है कि देवी संतान की रक्षा करेंगी, इससे संतान की आयु भी बढ़ती है। अहोई अष्टमी के दिन रात में माताएं तारे को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत खोलती हैं। इस दिन मान्यता है कि हर कोई निसंतान महिला भी व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।